नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉस हेजलवुड ने आईपीएल 2021 की शुरुआत से पहले टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। हेजलवुड ने कोरोना प्रोटोकॉल में लंबे समय तक रहने की असमर्थता जाहिर की और आने वाले व्यस्त इंटरनेशनल टूर का हवाला देते हुए ये फैसला किया। हेजलवुड के इस निर्णय के बाद फैंस ने चेतेश्वर पुजारा को लेकर काफी मजे ले लिए और ट्विटर पर पुजारा काफी ट्रेंड करते हुए भी नजर आए थे। इसी बीच अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने भी हेजलवुड के टूर्नामेंट से हटने के बाद पुजारा को ट्रोल करते हुए मजेदार ट्वीट किया है। सीएसके की टीम ने अपने ट्विटर हैंडल पर पुजारा की एक फोटो शेयर की जिसमें वो एक जगह बैठकर कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ? चीपू जोश। सोशल मीडिया पर सीएसके टीम का ये ट्वीट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कंगारू टीम के गेंदबाजों को जमकर परेशान किया था और अपनी विकेट आसानी से नहीं दी थी। यही वजह है कि पुजारा के आईपीएल में बिकने के बाद फैंस हेजलवुड और पुजारा को ट्रोल कर रहे थे। बता दें, हेजलवुड पुजारा चेन्नई की तरफ से आईपीएल 2021 में खेलने वाले थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज टूर्नामेंट से हट गया है। चेन्नई की टीम ने पुजारा को 50 लाख रुपए की बेस प्राइस में खरीदा था, जिसके बाद ऑक्शन रूम में जमकर तालियां बजी थी। हेजलवुड ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि पिछले 10 महीनों से लगभग अलग अलग टाइम पर बायो बबल और क्वारंटाइन में हूँ, इसीलिए मैंने क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला किया है ताकि मैं घर जाकर ऑस्ट्रेलिया में अगले 2 महीने समय बिता सकूँ। अभी काफ़ी बड़ा विंटर सीजन आने वाला है, वेस्टइंडीज का लंबा टूर भी होने वाला है, बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज भी साल के आखिर में है, उसके बाद T20 विश्व कप और फिर SS सीरीज। अगले 12 महीने काफ़ी बड़े होने वाले हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ रहते हुए मैं खुद को मानसिक और शारीरिक तौर पर इसके लिए तैयार रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है और ये मेरे लिए अच्छा होगा। आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग इस सीजन की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ करेगी। देखना यही होगा क्या इस सीजन में चेतेश्वर पुजारा को सीएसके के प्लेइंग 11 में मौका मिलता है या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।